वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, वरना ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है एक और बेहतरीन एनिमे एक्सप्लेनेशन में। आज हम बेबीसिटर का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट एपिसोड शुरू करते हैं, पर वीडियो को एंडिंग तक जरूर से देख लेना, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल हम एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें रुचि को दिखाया जाता है, जो कि वो अब हाई स्कूल में पहुंच गया था। अभी वो हाई स्कूल स्टूडेंट था, इस वजह से उसने बेबी सिटर क्लब का पोस्टर बनाया हुआ होता है। तभी वो वहाँ पर जाकर बोर्ड पर चिपकाने वाला होता है, तभी वो देखता है कि सभी लोगों ने अपना पोस्टर बनाया हुआ होता है। इस वजह से रुचि को अपने बेबी सिटर क्लब का पोस्टर नहीं लगाने के लिए मिलता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जगह बची नहीं थी। तभी वो फिर से डाई केयर रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे देख कर सभी बच्चे उसके पास काफी ज्यादा दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं। उस वजह से रुचि गिरने वाला होता है और उसके हाथ से पोस्टर निकल जाता है और वो जाकर कटारों को लग जाता है। वो पोस्टर उसे भी देखने लगता है, वो बोलने लगता है हमारे क्लब का पोस्टर तुमने काफी ज्यादा रुचि अच्छा बनाया है। रुचि बोलता है दरअसल कटारो के मुंह से वो पोस्टर निकाल दो। तभी हमें दिखाया जाता है उसाइडा बोलने लगता है दरअसल तुमने इस पोस्टर को कहीं पर अभी तक लगाया क्यों नहीं। रुचि बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, इस वजह से इस पोस्टर को मैंने अभी तक लगाया नहीं। ये देखकर उसाइडा बोलने लगता है हमें दूसरों को देखना चाहिए, अगर हमारे क्लब ने पोस्टर नहीं लगाया तो क्या हुआ, हम दूसरों का क्लब जाकर देख के आते हैं। वैसे भी रुचि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये हर साल का आम बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कामेटा और सभी लोग मिलकर जाने की जिद करते हैं। तभी हमें उस साइड को ऐसा खड़ा हुआ देख रुचि बोलने लगता है दरअसल मेरा भी इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को बोल रहा होता है उस साइड कि सभी लोग अपना हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश थे, और ये देखकर उस साइड भी काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। अभी वो लोग एक क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और वो और कहीं नहीं थी बल्कि वो इसकी ही डॉटर थी, और वो बिल्कुल भी उसे पहचान नहीं रही थी। ये देखकर वो बोलने लगती है कि दरअसल मैंने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मेकअप किया है। वो बोलने लगती है कि रुचि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सभी का ध्यान रखा है। अभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर रुचि भी उनका पीछा करने वाला होता है, पर वो उनसे बात कर रहा होता है। अभी हमें उसाइडा को भी दिखाया जाता है जो कि रुचि उससे मदद मांग रहा होता है, पर उसाइडा मेकअप में बिजी था। सभी बच्चे वहाँ से भाग कर काफी ज्यादा आगे आ गए थे। ये देखकर वो लड़की बोलने लगती है दरअसल रुक जाओ। तभी कामी टामी को खुशबू आती है की बात करने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी खुशबू है। इस वजह से सभी बच्चे किचन की तरफ आ जाते हैं। उन्हें ऐसा देख वो लड़की बोलने लगती है आखिर यहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो गए थे। तभी वहाँ पर रुचि भी आ जाता है, वो बोलने लगता है किसी ने यहाँ पर बच्चों को देखा। तभी वहाँ पर वो कामी टमी को देख लेता है, वही पर कामिशा भी अपना फूड कुक कर रही होती है। ये देखकर रुचि बात करने लगता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रुचि की ऐसी बात सुनकर कामिशा काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी कुछ लड़कियां बोलने लगती है ये तो काफी ज्यादा डेंजर है, ये थोड़ा बहुत होते रहता है क्योंकि ये काफी ज्यादा दिल की अच्छी है। उसकी ऐसी बात सुनकर कामिशा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है रुचि बोलने लगता है मुझे दरअसल माफ कर दो, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब किया है। उसकी ऐसी बात सुनकर कामी टामी बोलने लगता है दरअसल मुझे कुकीज चाहिए। ये देखकर रुचि उसे उठाकर ले आ जाता है। ये देखकर कामी टामी काफी ज्यादा रोने लगता है, और रुचि उससे वादा करता है कि मैं दरअसल तुम्हें ग्राउंड में लेके जाऊंगा और वहाँ पर काफी ज्यादा हम मस्ती करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है इस बात पर कामी टामी मान जाता है। वहाँ का एक लड़का बोलने लगता है ये तो रुचि है, अभी भी ये बेबी सिटर क्लब का ही काम कर रहा है। अभी हमें कामी टामी को दिखाया जाता है जो कि वो बेसबॉल मैच देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी हमें कामी टामी के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि वो बोलने लगता है ऐसे क्यों तुम देख रहे थे। अभी हमें वहाँ पर रुचि को दिखाया जाता है जो कि पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग भाग रहे थे। ये देखकर वो सोचने लगता है कि मुझे भी पोस्टर लगाना चाहिए। इस वजह से वो कटारो को पूछता है क्या मेरे साथ तुम पोस्टर लगाने के लिए आना चाहते हो, तो कटारो डायरेक्ट ना बोल देता है। ये देखकर रुचि बोलने लगता है तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, उसेडा तुम सभी बच्चों का ख्याल रखना। ये बात सुनकर उसेडा हाँ बोल देता है। तभी हमें रुचि को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाने वाला होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। रुचि मन में सोचने लगता है कि कटारो ने मेरे डायरेक्ट मुंह पर ही ना बोल दिया। सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपना मस्त से खेल रहे होता है। तभी हमें रुचि को दिखाया जाता है जो कि अपना पोस्टर लगाने के लिए आ गया था। वो बोलने लगता है मुझने ऐसी जगह पर ये पोस्टर लगाया है कि यहाँ पर कोई भी नहीं देखेगा, और ये काफी ज्यादा बुरी बात है। उसकी ऐसी बात काशिमा भी सुन लेता है। वो बोलने लगता है दरअसल मेरे पास क्लब एप्लीकेशन फॉर्म है और ये रुचि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो फॉर्म रुचि को देने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है रुचि बोलने लगता है ये तो तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो। तभी काशिमा बोलने लगता है ये सब तुम्हारे कटारों की वजह से ही हुआ है, जब मैं बेसबॉल की बैच खेल रहा था तभी बीच में ही कटारो आ गया था, इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे बेबी सिटर क्लब को ज्वाइन करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, वो बोलने लगते हैं मुझे काफी ज्यादा कुकीज मिली है, इस वजह से ये सब कुकीज हम एक साथ खाना चाहते हैं। तभी
भी ये देखकर रुचि काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं क्योंकि ये बच्चे काफी ज्यादा छोटे थे। उनकी ऐसी बात सुनकर तो रुचि काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है हाँ हम एक साथ खाएंगे। तभी हमें बेबी सिटर क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू मेंबर काशिमा ऐड हो गया था और सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से कुकीज खाने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर रुचि को काफी ज्यादा बुखार आ गया था और उसका सर काफी ज्यादा भारी भारी लग रहा होता है। वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं। वो बोलने लगते है तुम्हारा आज ऑफ डे है, इस वजह से तुम काफी ज्यादा देर तक सो नहीं सकते, और वो उसे उठाने लगती है। चेयरमैन को ऐसा लगता है कि रुचि को दरअसल कोल्ड हुआ है और वो बात करने लगती है कि ये सब सच है। तो ये देखकर कटर को वो उठा लेती है। वो बोलने लगती है उसको मैं मेरे साथ लेकर चली जाती हूँ। वो बोलने लगते है दरअसल तुम जब तक ठीक नहीं होते तब तक मैं कटर को तुम्हारे पास नहीं लेके आऊंगी क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। चेयरमैन तभी कटर को देखती है जो कि रुचि के पास जा रहा होता है। ये देखकर कटर को बोलने लगती है कि दरअसल रुचि ऐसा ठीक नहीं होगा, उसको अगर ठीक होना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये देखकर कटर मान जाता है। हमें रुचि को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी हेल्थ काफी ज्यादा ठीक नहीं थी और उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन बोलने लगती है कटर तुम्हें भी वरना कोल्ड हो जाएगा, इस वजह से इस ब्लैंकेट को तुम ले लो, और वो उसके ऊपर डाल देती है। चेयरमैन कटर से बोलने लगती है तुम मेरे पीछे आ जाओ क्योंकि मेरा तुम्हारे पास एक काम है। ये देखकर कटर उसके पीछे आ जाता है जहाँ पर वो किचन में आ गए थे। चेयरमैन दरअसल रुचि को सिखा रहे थे कि दरअसल लेमन कैसा काटना होता है और उसमें से जूस कैसा निकालना होता है। चेयरमैन की बातें कटारो को भी समझ आ गई थी, इस वजह से कटारो उस लेमन को लेकर एक जगह पर आ जाता है और उसमें से जूस निकालने की कोशिश करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कटारो उस जूस को निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर वो लेमन काफी ज्यादा बड़ा होता है और उस वजह से कटारो के हाथ काफी ज्यादा छोटे होते हैं। उस लेमन के अंदर से जूस निकालने की कटारो पूरी पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो उसे दबाने भी लगता है पर वो काफी ज्यादा ताकत भी लगा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसमें से वन ड्रॉप नीचे गिर जाता है। ये देखकर कटारो उसे देने लगता है। कटारो को ऐसा करता हुआ देख चेयरमैन बोलने लगते है दरअसल मुझे इतना नहीं चाहिए, इससे भी मुझे ज्यादा चाहिए। ये देखकर कटारो फिर से कोशिश करने लगता है। उसने काफी ज्यादा ताकत लगाई हुई होती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा जूस निकाल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कटारो वो चेयरमैन को देने जाने वाला होता है और कटारो का पैर उस ग्लास को लग जाता है, इस वजह से सारा जूस नीचे गिर जाता है। चेयरमैन ट्राई करने के लिए और बोलती है। हमें दिखाया जाता है रुचि के पास चेयरमैन आ रही होती है। वो बोलने लगती है रुचि की अभी हेल्थ कैसी है और वो अभी ठीक तो है। तभी वो खुद से ही देखने लगती है। वो नोटिस करती है कि रुचि सोया हुआ है, इस वजह से वो डिस्टर्ब ना करते हुए वहां से चले जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है रुचि को एक सपना आ जाता है। उस सपने में रुचि के डैड और मॉम होते हैं जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि रुचि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे से ख्याल रखोगे और इस बार हम कटारो को लेकर जाने वाले हैं और वो हमारे साथ ही जाने वाला है, और वो उसे उठाने लगते हैं। ये देखकर रुचि तो सिर्फ उन्हें देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां से कटारो को वो लेकर जाने वाले होते हैं और वो वहां से जा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा कटारो को लेकर जाते हुए रुचि काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी हमें रियल लाइफ में दिखाया जाता है जहाँ पर कटारो रुचि के पास आ गया होता है और वहाँ पर चेयरमैन भी आ गई होती है। तभी वो देखता है कि रियल में तो कटारो यही पर है, तो अच्छा ये सब सपना था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चेयरमैन आ जाती है और उन्होंने लेमन जूस लाया हुआ होता है जो कि कटारो ने ही बनाया हुआ होता है। वो बोलने लगते है दरअसल इसमें कटारो ने काफी ज्यादा मेरी मदद की है। इसकी ऐसी बात सुनकर रुचि कटारो को थैंक यू बोलता है। रुचि उस जूस को पीकर देखता है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। तभी हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि कटारो को उठा लेती है। वो बोलने लगते है इसे भी बुखार आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से इसे लेकर चली जाती हूँ। रुचि अपना ख्याल रखना और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ये देखकर रुचि उनका थैंक यू बोलता है। उसके बाद चेयरमैन वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रुचि ने लंच किया हुआ होता है। वो बोलने लगते है अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ। अभी हमें कटारो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर चेयरमैन आखिर अब तुम्हें क्या हुआ है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दिल करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।